गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के लगभग 12:30 बज रहे हैं और आज 16 नवंबर है। मैं अपने घर जा रहा हूँ गोरखपुर मुंबई से, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और अभी मैं रेडी हो गया हूँ पूरी तरीके से। सामान भी पैक हो गया है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए। मेरी फ्लाइट आज 3 बजे से है मुंबई से गोरखपुर के लिए, तो उसके लिए मैंने ओला बुक कर लिया है और ओला अभी आ रहा है। अभी मैं सब रूम का लाइट ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले बेडरूम का ऑफ करता हूँ। फैन भी चल रहा है, ये बेडरूम की लाइट ऑफ। फिर सेकंड बेडरूम का, इसका ऑफ करता हूँ। सब बंद है, इसका भी लाइट एंड फैन ऑफ। ये लैट्रिन बाथरूम का बंद है। फिर हम लोग किचन में आ गए। किचन का मैं लाइट बंद करता हूँ। किचन का भी लाइट बंद हो गया, एग्जॉस्ट फैन बंद है। अभी हम लोग हॉल में हैं। जब ओला आता है मेरा, उसके बाद मैं रूम से निकलूंगा। अभी मैं ऊबर में बैठ गया हूँ और हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल दिए हैं। ऊबर आने में थोड़ा लेट हो गया, फिर भी फाइनली मिल गया है। देखते हैं कितने टाइम लगता है एयरपोर्ट जाने में। ये हमारे ऊबर के ड्राइवर हैं। क्या नाम है आपका? आसिफ ये आसिफ भाई हैं, आज के हमारे ऊबर ड्राइवर। देखते हैं इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है। गाइज, अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और ये पूरा एरिया एयरपोर्ट का एरिया चालू हो गया। आप लोग देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ था और ये पूरा एरिया काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में। गाइज, अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ये मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप लोग देख रहे होंगे। अपने को इंडिगो पे चलना है, आगे इंडिगो। अभी एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ और सिक्योरिटी चेकअप हो गया है, लगेज भी जमा हो गया है। अब मैं फ्लाइट में बोर्डिंग करने के लिए जा रहा हूँ। फ्लाइट टाइम पे है तो उसके लिए अपने गेट के साइड में जा रहा हूँ मैं। एयरपोर्ट पर दिवाली के लिए काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ था, तो आप लोग देख रहे होंगे सामने लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ पे शुभ दीपावली लिखा हुआ है। यह एयरपोर्ट के अंदर का सीन है। आप लोग देख रहे होंगे कि मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। शॉपिंग की बहुत सारी दुकानें हैं, आप आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छा अच्छा पेंटिंग और मूर्तियाँ बनी हैं, आप तो देख रहे होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना अच्छा मूर्ति बना हुआ है और भी काफ़ी ढेर सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत जो बहुत प्यारी लग रही थी। ये प्यारे प्यारे वाटर बॉटल्स हैं। गई जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मेरे पास अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा अडानी लॉन्ज में होके आते हैं। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ खाया। यह अडानी लॉन्ज का वीडियो है। अभी मैं फ़्लाइट में बोर्डिंग करने के लिए फ़्लाइट के पास आ गया हूँ।
अभी मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया हूँ, आप लोग देख रहे होंगे फ्लाइट पूरा फुल पैक है। गाइज, गोरखपुर पहुँचते पहुँचते लगभग 6:15 हो गए थे, पूरा अंधेरा हो गया था और आप लोग देख रहे होंगे फ्लाइट से लैंडिंग करते हुए कितना ब्यूटीफुल गोरखपुर सिटी दिख रहा है। इतना अमेजिंग तो मैंने कभी गोरखपुर को देखा ही नहीं था। गाइज, अभी मैं गोरखपुर पहुंच गया हूं और 2.25 घंटे की फ्लाइट के बाद गोरखपुर पहुंचते पहुंचते लगभग 6:15 हो गया है और मैं फाइनली गोरखपुर आ गया हूं। गोरखपुर पहुंचते ही काफ़ी अंधेरा हो गया है, यहां पे लगभग 6 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है, लेकिन मुंबई में अंधेरा होते होते लगभग 7:45 हो जाता है। तो फाइनली अभी मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ और मुझे रिसीव करने के लिए घर से मेरा छोटा भाई आया है, एक छोटा भाई है, अभी हम लोग साथ में निकल रहे हैं गाड़ी से। तो अभी प्लानिंग ये है कि हम लोग गोरखपुर से सबसे पहले मेरी सिस्टर के घर जाएंगे, क्योंकि उसका भी घर जाने का प्लानिंग बन गया है, तो सबसे पहले उसको रिसीव करेंगे, उसके बाद अपने घर के लिए निकलेंगे। तो सबसे पहले निकलते हैं सिस्टर के घर। गाइज, हम लोग मेरी सिस्टर के घर पहुँच गए हैं और मैं अपने भांजे के साथ, या मेरा भांजा है छोटा सा क्यूट सा जिसका नाम रेयांश है। गाइज, अभी हम लोग घर आ गए हैं सिस्टर को लेके और अपने घर में पहुंच गया हूँ फाइनली, लगभग 9 बज गए आते आते। ये देखिए गाइज, ब्लॉग में फिर से कौन आ गया, काफी दिनों बाद आप लोग रजनी को देख रहे होंगे। हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? गाइज, लगभग 3 महीने बाद मैं भी रजनी से मिल रहा हूँ, मिलके काफी अच्छा लग रहा है इनसे। काफी अच्छा लग रहा है और आप लोग ब्लॉग में काफी दिनों बाद देख रहे होंगे रजनी को, अब हम दोनों साथ में ही दिखेंगे आप लोगों को हमेशा, तो ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। घर पहुँचते ही मेरे दोनों बच्चे अथर्व और सौर्य यहाँ पे खेल रहे थे लेट कर बिस्तर पे, आप लोग देख रहे होंगे। यह अथर्व है जो बड़ा बेटा है और ये सौर्य है जो छोटा बेटा है। ओके गाइज, हम लोग अपने ब्लॉग को ही पेंट करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। यस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे ब्लॉग को। ओके, बाय।